हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ब्लूटूथ नेक पैन रॉकहॉर्स 330 की जो आपके सामने। तो मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और फिर बताना कैसे। हे गाइस तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो हमारे साथ ने जो है ये पैकेट और ये तो ऑलरेडी फटा है बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे सामने पोर्ट नेक पैन और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 10 मिनट और 10 आवर की प्ले टाइम प्लस 30 आवर नॉन स्टॉप ऑडियो प्लेस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम 10 मिनट अगर इसको चार्ज करते हैं तो हमें ये 10 आवर का प्ले टाइम देने वाला है, यानी कि हम इसको 10 घंटे यूज़ कर सकते हैं जस्ट 10 मिनट यूज़ करके। दस ये रहा बोट रॉकर्स 330। ओके तो पीछे देखते हैं, पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 mm डायनमिक ड्राइव बोटर सिग्नेचर साउंड। ओके दूसरा है अप टू 30 हर्ट्ज नॉन स्टॉप ऑडियो प्लेस। फिर है यहाँ पे मेटलिक मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रीमियम सिलिकॉन बिल्ड, यहाँ जो बना हुआ है इसका मेटलिक का बना हुआ है। फिर है यहाँ पे डुअल पेयरिंग विथ ब्लूटूथ एंड वर्जन 5.0। तो यहाँ पे एक साथ हम लैपटॉप और फ़ोन दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ओके और नेक्स्ट जो हमारे पास है डिज़ाइन फॉर एंटरटेनमेंट, आप देख सकते हो IPX5 डिस्प्ले सेंसिटिविटी, यहाँ पे ये सारे फीचर्स हैं। टाइप सी इसका चार्जिंग है तो आगे देखते हैं। और ये भी सारे फीचर स्मूथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स। फिर अंदर चलते देखते हैं अंदर के अंदर की पैकेजिंग जो मैंने ऑलरेडी कर लिया और ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके सामने बोट रॉकर्स 330। तो इसको हम निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं। हाँ जी ये रहा हमारे सामने बोट रॉकर्स 330। ओके बाकी पहले देखते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या है हमारे सामने। तो ये इसको रखते साइड में और ये बोट हेड किया और फिर इसके अंदर जो मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग किया था तो देखने के लिए जस्ट वीडियो तो मैं बाद में बना रहा हूँ। ओके तो ये हमारे सामने एक इसका जो प्लास्टिक है जो एयर के लिए वो माई मिस्टेक अगर खो जाता है तो उसके लिए इन्होंने दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे हमें मिलता है एक चार्जर और जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड के स्टिकर के कैटलॉग है बोर्ड का। फिर और ये होगा यूज़र मैनुअल और ये रहा वारंटी कार्ड। ओके और ये स्टिकर तो ये सब तो रख दो। ओके अभी ये रहा हमारे सामने बोट रॉकर्स 330। हम इसको करने वाले हैं ऑन और करने वाले हैं कनेक्ट। ओके तो ये कनेक्ट करके देखते हैं। रॉकर्स 330 हमारे सामने आ गया और हम इसको करने वाले हैं कनेक्ट। ओके ये हो गया कनेक्ट, 40% चार्जिंग दिखा रहा है और फिर हम करेंगे म्यूजिक प्ले एंड देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी। और जैसे देखो मैंने म्यूजिक प्ले कर दिया है और फिर मैं अभी इसको ट्राई करके देखता हूँ। ओके गाइस फुल्ली नॉइज कैंसिलेशन के साथ है तो ये इतना इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भी बाहर की साउंड नहीं आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मस्त है। बाकी आप तो देख ही सकते हो हमें जो ये तो फिलहाल मैं माइक के लिए यूज़ कर रहा हूँ बट इसमें जो है आपको दिखाता हूँ आपको मिलता है कि जो इसके कान में जो लगता है तो ये गिरेगा नहीं, ये ग्रिप पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आप इसको पहन के दौड़ सकते हो, रनिंग कर दो या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो बिल्कुल कर सकते हो और ये इजली लटका रहता है और बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। बाकी आप तो देख ही सकते हो आपके सामने और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है आप लोग को, हमारी जनता ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो वैसे फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस किए गए जो पहले के बोर्ड के अगर आपने लिए होंगे ब्लूटूथ तो उससे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बटन दिया है ये पावर का बटन है और इस साइड दिए गए हैं वॉल्यूम अप और डाउन के बटन। और अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हो तो म्यूज़िक का बटन जो आपको मिल जाएगी चेंज करने का बटन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कॉल भी कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, सिंपल सा था ये। और दूसरी बात यहाँ पे हमें मिलता है जो
मैग्नेट दोनों को चिपकाने के लिए। तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो विजुअली ऐसे लटका हुआ तो ये ऑटोमेटिक से चिपक जाता है। इतना तो आपने अब तक समझ लिया होगा जितने ट्रेंड में ये पोर्ट की निक पैंट और ऐसे बहुत सारी निक पैंट जो भी हैं। तो आज के लिए